वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, काश मेरे पास भी होती। इनसे कह के देखती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अरे दीदी आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आओ अंदर आओ। दीदी आप अचानक, बताया भी नहीं है कि आप आ रही हो, बता देते। अरे भाभी बस गुड़िया जिद करे जा रही थी, मुझे मामी पास जाना है, मामी पास जाना है, सोचा दो चार दिन रह ही आऊं। भाई कहाँ है? देवो बाहर गए हैं, कुछ काम था उन्हें। आज तो मैं उसे सरप्राइज दूंगी, हर बार फोन करके कहता है बहन कब आएगी कब आएगी। अच्छा अंशु कहाँ है? ये गुड़िया तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, वो ऊपर कमरे में कंप्यूटर में गेम खेल रहा है। जा गुड़िया तो ऊपर खेल ले, और ये ले जा उसके लिए, ये चॉकलेट उसको दे देना, ठीक है? दिया थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। ऐसी माँ ऐसे बच्चे मुंह उठा के आ जाएंगे, ये नहीं सोचते हैं कि मेरा काम कितना बढ़ जाएगा। अब करते रहो इनकी सेवा पानी, उधर माँ की फरमाइश से पूरी करो, उधर औलाद की। मामी ये बना दे मैं भी वो बना दो, मुझे तो चैन है ही नहीं। हे भगवान क्या करूँ, जब तक सास थी तो तब तक चैन नहीं था, अब सास मर गई अब चैन आया था थोड़ा सा, तो अब ये बेटी शुरू हो गई। अब मुझे घर जाना था, क्या करूँ मैं? माँ को फोन करके मना ही कर देती हूँ। हे भगवान। हेलो मम्मी, आज तो मैं भाई को सरप्राइज दूंगी, कितना खुश हो जाएगा मुझे देख के। लेकिन मैं थोड़ी देर गुस्सा रहूंगी पर ज़्यादा देर नहीं रहूंगी, आखिर छोटा भाई है, हर बार फोन करके ही बोलता रहेगा बहन आ जा बहन आ जा, कभी ये नहीं है कि बहन के पास आ जाओ मिलने के लिए। उसकी पसंद के गोंद के लड्डू बना के लाई हूँ, कितना खुश होगा, कितने पसंद है उसे। पहले खुद बनवाता था मुझसे, बहन बना दो बहन बना दो, खाकर बहुत खुश होएगा। हाँ मम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी घर, अब क्या करूँ, मेरी नंद आ गई है घर। पहले माँ चैन से नहीं रहने देती थी, अब ये बेटी शुरू हो गई है, मेरा तो जीना आराम कर रखा है, मैं तो कोई चैन से रहने ही नहीं देता, पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के लाई हूँ मैं तो। अब मम्मी आप बताओ क्या जरूरत थी आने की? अरे फोन पे हाल चाल नहीं पूछ सकती थी? रोज पूछ ही लेती हैं वो तो, फिर भी लगता है भाभी कुछ नाश्ते में मेरे लिए बनाने लग गई होंगी। मैं भी चलती हूँ, मदद करवा देती हूँ उनकी। अब बताओ मम्मी मैं कोई गलत कह रही हूँ जो मुँह उठा कर चली आई यहाँ पे? अब आधी उम्र तो उनकी माँ की सेवा में निकल गई, आधी उम्र इनकी सेवा में निकल जाएगी, मैं तो जिंदगी हो गई बेकार। मैंने इनसे इतनी बार कही है अरे फोन करके हाल चाल पूछ लो, मैंने इनसे भी कहा था अरे ज़्यादा बहन के लिए प्यार उमड़ रहा है तो मिला वहाँ जाके, लेकिन नहीं, फोन करके बुलाया मम्मी। क्या करूँ मम्मी मैं तो परेशान हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहती कि ये सबके साथ होता है, पर हाँ बहुत सी बहनें और बेटियाँ इस दौर से गुजर चुकी हैं। वो इस चीज़ का जवाब ना तो ससुराल में दे पाती हैं और ना ही मायके से मांग सकती हैं। शादी के बाद एक लड़की मायके और ससुराल की इज्जत बनाने के लिए संघर्ष करती रहती है,
वो बस यही चाहती है, ससुराल और मायके में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा पड़ाव आ जाता है, उसे ससुराल या मायके में से किसी एक को चुनना पड़ जाता है। वो उस लड़की के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष का दौर होता है। क्या आप भी कभी इस दौर से गुजरे हैं? अगर हो सके तो, अगर ज़रूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।